ना ना रे ना बजाना बंसी ना ना रे ना बजाना बंसी ए बंसी रोमुकी दासी ए बंसी रोमुकी आसी ए बंसी दिनता ना दर दिन्ना दिनता ना दर दिन्ना ना ना रे ना बजाना बंसी। मुझे भी मैं भी बहुत लंबे टाइम से सुन रही हूँ कि आई लव यू टू आ रही है, और टूटू जी ने कभी कभी बातों में बातों ही बातों में मुझे बताया भी है कि हाँ वो प्लानिंग कर रहे हैं। सो आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो फिर से आई लव यू जितनी सक्सेसफुल रही है मैं उनके लिए आशा करती हूँ, और उन ऑल द बेस्ट बोलती हूँ टूटू को कि आई लव यू पार्ट टू भी उतनी सक्सेसफुल रहे, और वो शायद हम लोग साथ में काम करेंगे या नहीं करेंगे मुझे पता नहीं, बट आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट कि फिर से दर्शकों को ऑडियंस को आई लव यू टू जितना आई लव यू से उन्हें अच्छी लगी, और उतना जितना प्यार उन्होंने आई लव यू पार्ट वन को दिया है उतना ही प्यार वो आई लव यू पार्ट टू को भी दें, और उतनी ही अच्छी टूटू और ब्रजराज मूवीज़ वो मूवी भी बनाए, आई लव यू पार्ट टू भी उतनी अच्छी बनाए। वो ऑब्वियसली डिपेंड करता है, पहले तो मेरे को ऑफ़र तो आए, अभी तक तो मुझे ऑफ़र ही नहीं आया है तो जब ऑफ़र आएगा तो हम देखेंगे, और मैं तो डेफिनेटली चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल अपने ऑडियंस से जुड़ी रहूँ। फ्लुएंटली तो नहीं, फ्लुएंटली मैं नहीं बोल पाती हूँ, पर टूटा फूटा उड़िया टूटी फूटी उड़िया मैं थोड़ा थोड़ा बोलती रहती हूँ, और सेट पे भी थोड़ी थोड़ी उड़िया बोलती रहती हूँ, तो क्या बोलूँ अभी एकदम से ऐसे नहीं बोल पाऊँगी। मनो मने ना तो मुझे पूरा नहीं आता, अच्छा वो वाला गाना थोड़ा सा आता है ना ना रे ना बजाना बंसी ना ना रे ना बजाना बंसी ए बंसी रोमुकी दासी ए बंसी रोमुकी आसी ए बंसी दिनता ना दर दिन्ना दिनता ना दर दिन्ना ना ना रे ना बजाना बंसी। ये तो टूटू जी पे डिपेंड करता है, हमारे प्रोड्यूसर पे डिपेंड करता है कि वो सेम कास्ट को लेके मूवी बनाएंगे भी या नहीं, है ना। मुझे भी नहीं पता है, बट डेफिनेटली व्हाई नॉट, आई एम एन एक्टर एंड मैं तो बिल्कुल अपना आई जस्ट चाहती हूँ कि मैं काम करती रहूँ उसमें कौन एक्टर है या कौन डायरेक्टर है या कौन प्रोड्यूसर है, मैं वो सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हूँ। हाँ, मूवी की स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, बस वही मायने रखती है, क्योंकि वही लोगों के ऑडियंस के दिल को दर्शकों के दिल को वही छूती है, हम तो बस खाली उन लाइन्स को बोल के उसको परफॉर्म करके आप तक पहुँचाते हैं, बट हाँ कोशिश करते हैं कि वो जो स्टोरी है उसको जस्टिस दे सकें और अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू आप तक आपके दिल को छू सकें। तो आई लव यू पार्ट टू होगा तो डेफिनेटली